स्वागत है आपके प्लेटफॉर्म डेटा एक्सेस पर। देखिए, आपको जो है वीकली टेस्ट जो है करंट अफेयर्स का हम लाते हैं, ठीक है। तो इस वीकली टेस्ट में आपको क्या मिलता है, आइए आप लोग जान लीजिए। इस वीकली टेस्ट में आपको मिलता है जो वीक में खबरें आई होती हैं उन्हीं से जो बनाया हुआ करंट अफेयर, हम आपको डेली करंट अफेयर जो कराते हैं, ठीक है, उसके आपके टेस्ट लेते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट MCQs रहते हैं जो वीक भर में पूरे आए हुए होते हैं, मंथ भर में कुछ एक दो पुराने वीक के भी होते हैं, उनको भी शामिल कर लेते हैं। चूँकि आपका लास्ट जुलाई का टेस्ट है तो इसमें कुछ पुराने क्वेश्चन भी हमने ऐड कर लिए हैं, ठीक है। टेस्ट लंबा होने वाला है और साथ ही साथ आपको जो है वीक में जो खबरें रही हैं द हिंदू की टॉप न्यूज़ में रही हैं उनको भी हम कवर करते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। आज हमने जो आपके लिए लेकर के आए उसमें आंसर भी आपके लिए नीचे दे दिया है, लेकिन डिटेल वाइज हम डिस्कस जरूर करेंगे। बहुत लोगों की डिमांड रहती थी कि सर नीचे भी आप आंसर तुरंत दे दिया करिए, PDF में दिक्कत होती है। देखिए, राष्ट्रीय आम दिवस कब मनाया गया? तो देखिए, अगर राष्ट्रीय आम दिवस आपको मनाया गया 22 जुलाई को, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्यों है? देखिए, आम दिवस है और आम महोत्सव की बात की जाए, ठीक है, आम महोत्सव तो ये कहाँ मनाया गया? ये लखनऊ में मनाया गया था। UP वाले याद रख लीजिए, समीक्षा अधिकारी की भर्ती आ रही, बहुत लोग कम पोस्टों से निराश भी हो रहे हैं, कुछ ये हो रहे हैं, बट आपको तैयारी करनी है। पोस्टें कब घट बढ़ जाएँ कोई पता नहीं सरकार में, ठीक है। तो आपको पता चल गया आम दिवस कब होता है, 22 जुलाई को। अगला देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू करी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमने आपको डेली करंट अफेयर में कवर भी किया था। तो ये छत्तीसगढ़ के जो हैं आपके CM भूपेश सिंह बघेल, ठीक है, कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर चलाया गया है न्याय योजना। हाल ही में अमेरिकी इतिहास में शीर्ष नौसैनिक अधिकारी बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो कौन बनी है? लीजा बेटी, ऑप्शन नंबर बी। अगला, हाल ही में RBI ने किस राज्य में स्थित यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? इकोनॉमिक एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, खबर है ये। तो किसने किया है? उत्तर प्रदेश ने, ऑप्शन सी UP। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ GST भवन का उद्घाटन किया है? खबर आई थी, हमने आपको पूरा पिक के साथ दिखाया था, ऑप्शन नंबर बी अगरतला। GST Day कब होता है? 1 जुलाई 2017 में स्टार्ट हुआ था, उस टाइम आपके वित्त मंत्री कौन थे? अरुण जेटली जी थे, अब दिवंगत हो चुके हैं वो। हाल ही में केविन मिटनिक का निधन हुआ, वे कौन थे? इंपॉर्टेंट है, हैकर थे वो, इस टाइम बच के रहिए, अकीरा हैकर आया हुआ है। हाल ही में किसे 16 का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो किसे नियुक्त किया गया है? सतपाल भानु को, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में RK सिंह ने कहाँ 14वीं स्वच्छ ऊर्जा स्तरीय मंत्रीय स्तरीय जो बैठक की उसकी अध्यक्षता की है? तो किसने की है? यह आपकी करी गई थी गोवा में, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मायालोम फाउंडेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? S. Vincent Rajkumar, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में नाम गया खंपा को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इनको नियुक्त किया गया है सोमालिया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। हाल ही में ब्रॉडब्रांड टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले दूसरे तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये आपके बने हैं कौन? स्टुअर्ट ब्रॉड, ठीक है, स्टुअर्ट ब्रॉड। और इनका एक और रिकॉर्ड है, क्या रिकॉर्ड है ब्रॉड का? इनका जो रिकॉर्ड है वो ये है कि 150 विकेट SS के लेने वाले दूसरे गेंदबाज बन गए हैं ये, ठीक है। SS जस्ट की ऑस्ट्रेलिया और उसके बीच खेली जाती है। हाल ही में अब इस बार का वर्ल्ड कप कहाँ पे है ये भी आपको पता होना चाहिए। भारत मेजबान इस बार है और इस बार प्योरली एशिया के मतलब सिर्फ भारत में ही हो रहा है, ना बांग्लादेश इसमें है ना श्रीलंका है, तो पहली बार ऐसा होने जा रहा है, ठीक है। वैसे 2-3 कंट्रीज़ मिल के करते थे कॉन्टिनेंट पूरा, लेकिन इस बार पूरा भारत कर रहा है आपका, ठीक है। और वर्ल्ड कप 2023 का मेज़बान है, इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं इसके शाहरुख खान, ये इम्पोर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एकल उपयोग प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से बंद करने का निर्णय लिया है? आसाम,
ऑप्शन नंबर बी। और पूरी तरीके से प्लास्टिक का बैन किसने लगाया है सिंगल यूज प्लास्टिक पे, तो वो आपका महाराष्ट्र सरकार ने किया है। हाल ही में भारत और किस देश ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, श्रीलंका। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 लाख रुपए का ब्याज मुक्त फसल ऋण शुरू किया है, किसने शुरू किया, ओडिशा ने। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, शाहरुख खान। ऑप्शन नंबर सी। तो ये देखिए आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, अभी हम आपके लिए एक और क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं, ये आपके उसमें भी आपको आंसर नीचे ही मिलेगा। देखिए आपको करना क्या है, टेलीग्राम ग्रुप से हमारे जुड़ जाइए, पीडीएफ वहीं पे मिलती है डेली करंट अफेयर की आपको, ठीक है, डेली करंट अफेयर की। और साथ ही साथ आपको इस पे करंट अफेयर्स का रीजनिंग की क्लासेस हैं, मैथ्स क्लासेस, इंग्लिश, जीके की फ्री टेस्ट सीरीज भी आपको जो है इस पे मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरें जो इस हफ्ते पूरे विश्वभर में छाई रहीं। देखिए अब आपका जो करंट अफेयर हम लेकर के आए हैं वो भी उसी के आगे का ही है, इम्पॉर्टेंट। देखिए प्रतिवर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है आपका, 28 जुलाई। ऑप्शन नंबर सी, 28 जुलाई को हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। इसकी थीम हमने आपको बताई भी थी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने कितने देशों को एसोसिएट सदस्य का दर्जा दिया है, 3 देश हैं। और आपको बता दें कि आयरलैंड ने 2024 के T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। हाल ही में आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने किस बैंक के साथ एक बैंक का इंश्योरेंस जो है साझेदारी की घोषणा करी है, कौन ने करी है, सिटी यूनियन बैंक ने। ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में किस देश ने इसमें 300 वर्षों बाद लूलू रोज नाम का सबसे बड़ा गुलाबी हीरा मिला है, कहाँ मिला है, अंगोला में मिला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी चुका है PCS में ये। हाल ही में भारतीय मूल के किस प्रोफेसर ने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, किसने जीता है, कौशिक राजशेखर ने। ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र को छोड़ने का फैसला किया है, तो कौन छोड़ेगा, रसिया छोड़ेगा, यूक्रेन की वार का आप जान ही रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अनुभवी अभिनेता जयंत सावरकर का 87 वर्ष के निधन हुआ, वह कौन से राज्य से थे, महाराष्ट्र से थे। ऑप्शन नंबर एक। जुलाई 2023 में कौन सा देश ब्रिक्स शहरीकरण फोरम की मेजबानी करेगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्रिक्स शहरीकरण में कौन है, अफ्रीका करेगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला, जुलाई 2023 में मचैल माता यात्रा किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से शुरू होगी, जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर इसलिए इम्पॉर्टेंट है। अब आपका अगला क्वेश्चन क्या है, डॉक्टर थानी अलजायदी को WTO के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया, वह किस राष्ट्र के हैं, तो किस राष्ट्र के हैं कोई बता सकता है, चलिए देखते हैं, वो UAE के हैं आपके, ऑप्शन नंबर 4 के हैं UAE। भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव के समापन के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया है, तो इसमें शुरू किया गया मेरा देश मेरी माटी, ठीक है, मेरा देश। ऑप्शन नंबर 1। ऑस्ट्रेलिया ने किस देश के साथ सबसे बड़ा द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास टेलिसमैन सेबर का आयोजित किया है, यूएसए के साथ किया है, अमेरिका के साथ। अगला, ISA की स्थायी समिति की 8वीं बैठक हाल ही में कहाँ पर आयोजित की गई, न्यू दिल्ली में करी गई है। हाल ही में कौन बिमस्टेक एक्सपो और कॉन्क्लेव की मेजबानी करेगा, कोलकाता करेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाल ही में किसे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक बनाया गया, जनार्दन प्रसाद को बनाया गया, इंपॉर्टेंट नियुक्ति है ये, पूछा जा सकता है। हाल ही में भारत और किस देश के राष्ट्रीय सुरक्षा बलों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स एक्वेरियन किसके बीच होता है, बारवा संस्करण मालदीव के बीच होता है। कौन सा विश्वविद्यालय 2023-24 में हिंदू अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी DU, इंपॉर्टेंट है अगेन। उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलेगी, दिल्ली टू देहरादून के बीच चलेगी। UIDAI जो आपका आधार कार्ड से रिलेटेड है संस्था, यूनिफॉर्म आइडेंटिफिकेशन के नए CEO कौन बने हैं, अमित अग्रवाल, इंपॉर्टेंट नियुक्ति है, याद रख ली देश टाइम मार्क कर ली देश को। हाल ही में स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में कौन सा राज्य इसमें पहुंच गया है, गुजरात। हाल ही में लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया गया है, जम्मू कश्मीर।
हाल ही में किस शहर की पुलिस ने 14 जून को नो हार्डिंग डे मनाया? इम्पोर्टेंट है मुंबई, ठीक है। अब बहुत इम्पोर्टेंट है, अभी हम बिम्स्टेक के जो आपको बताया था, अब आपका देखिए कौन सा बिम्स्टेक से क्वेश्चन आया है। बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो कहाँ हुई है? बैंकॉक में, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में कौन अक्टूबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी आयोजित करेगा? कौन करेगा? साउथ कोरिया करेगा, ऑप्शन नंबर सी। ये पिछले वीक का क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन से होने वाला रॉकेट लॉन्च किया है? चाइना ने, ऑप्शन नंबर सी। द एंड में हमने इसको कवर भी किया था। हाल ही में किसने नई दिल्ली में ड्रग्स तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? किसने करी है? ये करी है अमित शाह ने, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किसने नेशनल मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स जारी किया है? तो नीति आयोग ने जारी किया है। हाल ही में देखिए आपका हो चुका है, भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राकेश पाल को नियुक्त किया गया है। अब आइए कुछ और बेहतरीन आपके जो इस वीक में आपकी जो टॉप मोस्ट रहे हैं न्यूज़ रही हैं उनको देखते हैं द हिंदू के, और कुछ कुछ और क्वेश्चन आंसर भी हम आपके देखेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं आपके लिए क्या है। देखिए इस वीक जो बहुत इम्पोर्टेंट अभी रिपोर्ट आने वाली है वहाँ से आपका ये जो है करंट अफेयर की दृष्टि बहुत छाया रहा है। क्या है? 3 से 4 श्रेणियों में पड़ सकता है OBC आरक्षण। फार्मूला तैयार हो चुका है। रोहिणी आयोग की जो बैठक है वो ख़त्म हो चुकी है। अगले 1 से 2 दिन में सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। क्या सौंपेगा देखिए देखते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी है ये, ठीक है। अब तक आरक्षण से वंचित 1500 जातियों को इसका लाभ मिलेगा। 31 जुलाई को हो रहा आयोग का कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो दो फार्मूले तैयार, कहा बंटवारा पूरी तरह से वैज्ञानिक और आंकड़ों पे किया गया है। सिफारिशें कब से और कैसे लागू करनी इस पर केंद्र फैसला करेगा। 11 राज्यों में पहले से ही OBC आरक्षण का वर्गीकरण किया जा चुका है। इनमें कौन कौन से देखिए, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, बंगाल है, झारखंड है, बिहार है, हरियाणा है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी, ये सब इसमें शामिल हो चुके हैं, ठीक है। 15 बार आयोग का कार्यकाल बढ़ाया गया है, समझ सकते हैं आप। 2017 में जो हैं सेवानिवृत्त हो रही थी, ठीक है, तब इनका आयोग का गठन किया गया था। करीबन 2700 जातियाँ हैं, ठीक है, तो इस बार 15 बार विस्तार किया जा चुका है, तो 27% आरक्षण निर्धारित किया जा चुका है। तो ये पूरा जो है आपके पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से करंट अफेयर्स के पर बेहद इंपॉर्टेंट खबर बनी हुई है, ठीक है। अब देखते हैं द हिंदू कुछ न्यूज़। देखिए ये हमको जो है आपको जो सैटरडे की ही न्यूज़ बता रहे हैं, सॉरी फ्राइडे की, क्या हुआ है देखिए। गवर्नमेंट अलाउज इंडियन कंपनीज टू लिस्ट ऑन फॉरेन एक्सचेंज थ्रू IFSC। तो भारतीय कंपनियों को जो है गवर्नमेंट ने अलाउज कर दिया है कंपनीज़ को कि फॉरेन एक्सचेंज करके जो है वो अपना कर सकती हैं। फिनांस मिनिस्टर आल्सो लॉन्चेस अ क्लियरिंग मैकेनिज्म एंड अ मार्केट डेवलपमेंट फंड टू हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ ए वाइब्रेंट कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट इन इंडिया। द फंड विल बी इक्विप्ड विद 33,000 करोड़ रुपीज टू हेल्प द एस्टेब्लिश द डेप्ट मार्केट। तो बेसिकली जो डेप्ट मार्केट है उसको उठाने की ये जो है योजना के तहत ये किया गया है कि कंपनीज़ को जो है गवर्नमेंट ने अलाउज कर दिया है इंडियन कंपनीज टू लिस्ट ऑफ ऑन फॉरन एक्सचेंज थ्रू IFSC। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जा करके बनेगी। चलिए अगली न्यूज़ देखते क्या है। देखिए इस हफ्ते जो बहुत ही मुद्दा भी छाया रहा था, हमने आपको न्यूज़ बताई भी थी कि नेतन्याहु गेट्स हर्ट पीस मेकर अहेड अ जुडिशियल रिफॉर्म्स वोट। देखिए इस टाइम क्राइसिस चल रही है आपके ब्राज़ील में, तो इजरायली प्राइम मिनिस्टर मिस्टर बेंजामिन नेतन्याहु वाज रिकवरिंग इन हॉस्पिटल ऑन संडे आफ्टर एन इमरजेंसी हर्ट प्रोसीजर वाइल अपोजिशन टू हिज गवर्नमेंट कॉन्टीस जुडिशियल ओवरहॉल प्लान रीच्ड अ फेवर पिच एंड अनरेस्ट ग्रिप इन द कंट्री। तो इस टाइम वहाँ पे जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग PM भी हैं ये, मास प्रोटेस्ट हो रहा है इस टाइम है, किसके वजह से आपको सभी को पता है किसकी वजह से। देखिए तो ये आपका जेरूसलम और जो आपके पार्लियामेंट और उसमें जेरूसलम और आपका यहूदियों के ऊपर ही हो रहा है, तो इस वजह से ये पूरे हफ्ते में छाई भी रही है। यहाँ से क्वेश्चन आपका UPSC BPS जरूर पूछता है। चलिए अगली न्यूज़ देखते क्या है। देखिए अगली न्यूज़ ये इसरो साइंस एंड टेक से है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट पड़ जाती है। साइंस एंड टेक से ये इम्पोर्टेंट क्यों पड़ जाती है, साइंस एंड टेक से है
क्या है, इसरो टू लॉन्च PSLV C-56 कैरिंग सिंगापुर्स न्यू इमेजिंग सैटेलाइट। ठीक है, तो इसको लॉन्च किया है इसरो ने है। ये देखिए पूरी प्रिपरेशन इसको दिखाई गई है, प्रिपरेशन फॉर द लॉन्च ऑफ PSLV C-56 कैरिंग सिंगापुर DSR सैटेलाइट अलॉन्ग विद 6 अदर सैटेलाइट्स भी जो है इसको लेके जा रही हैं। द इंडियन स्पेस रिसर्च इसलिए इसरो की न्यूज़ है इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाती है UPSC के सरदार UPSC के प्रॉस्पेक्टस से अदर करंट अफेयर में सीधा क्वेश्चन वन लाइनर में ऐसे आता है। ठीक है, 30 जुलाई को जो है श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा, पूरी आपको बता दी गई है। ठीक है, DSSR 360 kg सैटेलाइट इनटू अ नियर इक्वेटोरियल ऑर्बिट एट अ डिग्री इंक्लाइनेशन एंड 535 किलोमीटर एल्टीट्यूड। इट एडेड दैट द सैटेलाइट इज डेवलप्ड अंडर अ पार्टनरशिप बिटवीन DSTA रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर एंड ST इंजीनियरिंग। ठीक है, इट विल बी यूज टू सपोर्ट सैटेलाइट इमेजरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ वेरियस एजेंसीज विद इन द गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्या है न्यूज़। देखिए एक आपका बीच में द हिंदू से पूरा न्यूज़ आया था, ये आपका कि क्या है न्यूज़, ये आपकी जो न्यूज़ आई थी इसको आइए देखते हैं क्या है। साइंटिस्ट फाइंड वे टू मेक फ्लोरोकेमिकल प्रोडक्शन मच सेफर, ये इन्होंने बताया है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के जो हैं कुछ। द न्यू वे टू ऑप्टेन फ्लोरीन एटम्स यूज टू मैन्युफैक्चर इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स यूज इन इंडस्ट्री एंड रिसर्च इन अ मच सेफर एंड लेस एनर्जी इंटेंसिव वे। मेंबर्स ऑफ साइंटिफिक कम्युनिटी हैव हेल्ड द फाइंडिंग एज अ मेजर ब्रेक थ्रू दैट कुड ट्रांसफॉर्म द सिंथेसिस ऑफ दीज कंपाउंड्स। 20 जुलाई को ये आपका बताया कि फ्लोरीन इज अ हाईली रिएक्टिव एलिमेंट विच यूज टू मेक फ्लोरोकेमिकल्स विच इन टर्न यूज टू प्रोड्यूस प्लास्टिक्स। तो पूरा आपका बताया गया है, एग्रोकेमिकल लिथियम आयन की बैटरीज हैं, फ्लोरीन कम्स हैं, कैल्शियम सॉल्ट है जिसको कैल्शियम फ्लोराइड भी बोला जाता है। फ्लास्पर जो है इज माइंड एंड देन ट्रीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड एट अ हाई टेम्परेचर टू रिलीज हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड इज देन मेड टू रिएक्ट विद अदर कंपाउंड्स टू क्रिएट फ्लोरोकार्बन्स। चलिए अगला देखते हैं, ये देखिए आया हुआ है। रेडियो कॉलर्स ऑफ सिक्स चीताज एट कोनो रिमोट सेज ऑफिशियल। द रेडियो कॉलर्स ऑफ द सिक्स चीताज एट द कोनो नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश हैव बीन रिमूव्ड फॉर देयर हेल्थ एग्जामिनेशन बाय KNP वेटरिनियंस एंड एक्सपर्ट्स फ्रॉम नामीबिया साउथ अफ्रीका ऑफिशियल सेड ऑन मंडे। नोटेबली 5 एडल्ट चीताज एंड 3 कब्स हैव डाइड एट इन कोनो नेशनल पार्क इन सिवो डिस्ट्रिक्ट सिंस मार्च दिस ईयर। मध्य प्रदेश चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन सेड टोटल ऑफ 11 चीता 6 मेल 5 मेल्स आर करेंटली इनसाइड इन द बोमा एंड एफर्ट्स आर ऑन टू बीइंग 4 मोर टू बोमा फॉर देयर हेल्थ एग्जामिनेशन। तो ये पूरा आपका न्यूज़ दी गई है, कई बार चीते वहाँ पे मर भी चुके हैं तो इस वजह से जो है इसका एग्जामिनेशन भी किया गया है और ये रेडियो कॉलर से जो है ऑफिसली न्यूज भी आई है। चलिए अगला देखिए, एक ये बहुत बड़ा मुद्दा छाया था, क्या था, सर्ट इन कॉशियस कॉशंस अगेंस्ट रैनसमवेयर अकीरा अटैक। देखिए अकीरा का अटैक हुआ है, द इंटरनेट रैनसम वायरस अकीरा दैट स्टील्स विटाल पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड किड्स डाटा लीडिंग टू एक्सटॉर्शन ऑफ मनी फ्रॉम पीपल हैज बीन रिपोर्टेड इन साइबर स्पेस। The country's Federal Cyber Security Agency said in the latest advisory, the computer malware is targeting Windows and Linux based system. It said, तो जो Windows और Linux based system है इन पर ज़्यादातर अटैक हुआ है। Akira is reportedly active in cyberspace. This group first steals the information, then encrypt the data on their systems and conduct double extortion to force victim into पेंग। तो आपको वही इस वक्त साइबर क्राइम जो चल रहा है वो इस तरीका नया है, ये रैनसम वायरस आपके सिस्टम पे आएगा जो विंडोज और लिनक्स बेस्ड हैं, आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन को चुरा करके डाटा को इनक्रिप्ट कर देता है उसमें। अब उस डाटा को लेने के लिए आपको उनको पे करना पड़ेगा, वही दिया हुआ है, फोर्स टू विक्टिम टू इन टू पेइंग, आपको पे करना पड़ेगा तभी जा करके आपको वो डाटा आपका देंगे। चलिए अगला देखते क्या, देखिए ये क्या है,
ये क्लाइमेट से जुड़ा हुआ न्यूज़ आया आपका। क्लाइमेट टारगेटिंग आर बिकमिंग आउटडेटेड, इंडिया नीड्स इट्स ओन। देखिए काफ़ी इस वक्त जो है ग्लोबल वार्मिंग कुछ ना कुछ ऐसा जरूर पड़ रहा है जिससे काफ़ी दिक्कत आ रही है। देखिए ये एम्बुलेंस के हैं तो क्या बोला गया, द 1.5 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग टारगेट हैज रिसीव्ड कंसीडरेबल प्रेस अलॉन्ग विद द अलनीनो दिस ईयर। रिपोर्ट्स क्लेम दैट द प्लेनेट कुड सून क्रॉस दिस टेम्परेचर द सोल ड्यू टू नेचुरल क्लाइमेट फिनोमिना, बट इवन इफ द वर्ल्ड्स एवरेज सरफेस टेम्परेचर वार्म्स बाई मोर देन 1.5 डिग्री सेल्सियस फॉर अ ईयर, नथिंग ड्रामेटिकली डिफरेंट मे हैपन अदर दैन द हीट वेव, फ्लड्स, ड्रॉट्स एंड सिमिलियर इवेंट्स दैट आर ऑलरेडी हैपनिंग। ये पूरा आपको बताया गया है इसमें। अब क्वेश्चनेबल टारगेट है कि 2 डिग्री आपको करना चाहिए कम, बट ये ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता है। इसको गोल 2100 तक रखा गया है, ठीक है। सेकेंड, द 2 डिग्री सेल्सियस टारगेट वॉज नॉट रिसीव्ड साइंटिफिकली, तो साइंटिफिकली ऐसा हो नहीं सकता, अर्थ सिस्टम का मॉडल से कुछ। और तो रसियास इन्वेजन और यूक्रेन मेड, इसकी वजह से भी काफ़ी डिफ़िकल्ट आ रही है, पॉसिबिलिटी कम हो पा रही है, क्योंकि जो आपका यूज़ किया जा रहा है, जो भी गोला बारूद, जो कोई भी आपके वेपन्स यूज़ किए जा रहे हैं, उसका असर क्लाइमेट में देखने को ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। चूँकि रसिया यूरेशिया का ही पार्ट आ जाता है, तो इस वजह से काफ़ी दिक्कतें आपको एशिया के उसमें देखने को मिल रही हैं। चलिए देखते हैं अगले न्यूज़ क्या है। देखिए ये सब तो जो सबसे बड़ा मुद्दा छाया रहा गिग वर्कर्स का, ये 25 जुलाई का आपका द हिंदू है, वहाँ से न्यूज़ क्या है, अदर बिग स्टेप फॉर द वेलफेयर ऑफ यूथ, राजस्थान बिकम द फर्स्ट स्टेट टू पास प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स। तो जो आपके डिलीवरी बॉय हैं, कैब हैं और भी कई सारे गिग वर्कर्स हैं, उनका डाटा कलेक्ट करेगी सरकार, उनको बेनिफिटेड करेगी, उनके लिए रूल बनाएगी। 200 करोड़ का फंड इसके लिए दिया गया है और भारत का पहला स्टेट बन गया जिसने गिग वर्कर्स के लिए जो है बिल पास किया है। पढ़ी लिखी अगर गवर्नमेंट में लोग होते हैं तो यही होता है, कुछ डिसीजन काफ़ी अच्छे आते हैं उनके। अब देखते हैं, गवर्नमेंट इज़ रेडी फॉर डिस्कशन ऑन मणिपुर, साहटेल्स पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। अब चूंकि इन गधों को विपक्ष में जो बैठे हुए उनको शायद ये भी नहीं समझ में आता है कि आपका गृह मंत्रालय से जुड़ा जो मुद्दा है उस पर अमित शाह जी आपको जवाब देंगे या मोदी जी देंगे। मोदी जी के पास तो गृह मंत्रालय है नहीं, अगर उनके पास गृह मंत्रालय होता तो वो जवाब देते, एड्रेस करते। तो आप लीडर यहाँ पे सस्पेंड भी कर दिए गए हैं, सस्पेंशन उनको दे दिया गया है, ठीक है। तो ये पूरी न्यूज आपकी काफ़ी मुद्दे पे छाई, संसद को चलने ही नहीं दिया गया, ठीक है। गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है एक आपकी ये इम्पोर्ट खबर है, 8.15% बेस्ट इंटरेस्ट रेट फॉर PF डिपॉजिट इन 2022-23, ये बोला गया है। इजरायली कंट्रोवर्सियल जुडिकल रिफॉर्म बिल गेट्स पार्लियामेंट नोड, ये भी आपकी न्यूज़ आई है। सुप्रीम कोर्ट से ASI साइंटिफिक सर्वे एट ज्ञान वापी मॉस्को टिल टुमारो इवनिंग, तो ये आपका उस टाइम का डिसीजन था, बुधवार शाम तक रोक लगा रखी थी, ऐसे ही आपको रखना था वहाँ पे। विल पे आवर शेयर इन RTE's प्रोजेक्ट, दिल्ली गवर्नमेंट टेल सुप्रीम कोर्ट में, इनका काफ़ी तो इनकी लड़ाई चलती रहती है। CM RO वाटर ATM जो है 500 से ज़्यादा लगाए गए हैं, दिल्ली में पहली बार इसको लगाया गया है RO वाटर ATM। अब देखिए सोशल सिक्योरिटी फॉर गिग वर्कर्स इन राजस्थान, ये पूरा आपका आया है बिल, काफ़ी इंपॉर्टेंट बिल है, काफ़ी अच्छा कदम भी है। नीतीश कुमार फॉर द रीज़न ऑफ बोथ क्विटिंग एंड रिटर्निंग टू NDA, ये चिराग पासवान की पूरी यहाँ पे बात की जाए, रामविलास पासवान जी के बेटे जो हैं। देखिए इसरो ने जो लॉन्च किया है सिंगापुर के न्यू इमेजिंग सेटेलाइट को, पूरी खबर यहाँ पे है, ठीक है। अवॉइडेबल कंट्रोवर्सी सैंपल सर्वे, बिहार में आपकी जातिगत आधारित जो है जनगणना हो रही है एज अ पार्लियामेंट सेशन, ये देखिए स्पीकर सोमनाथ चटर्जी जी की बर्थ एनिवर्सरी, तो पूरा बताया गया है, ठीक है। मणिपुर आस्क आसाम राइफल्स टू पुश बैक 718 रिफ्यूजी फॉर्म में आमार से लेकर के आए, ये बोला गया है। सुप्रीम कोर्ट रिजर्व बंगाल प्ली अगेंस्ट NIA प्रोब इनटू रामनवमी वायलेंस का जो आया था उसने रेट कर दिया है। मॉब अटैक CMs इन मेघालय, 5 पुलिसमैन इंजर्ड भी हो गए हैं। PM इज सेक्रेटरी ऑफ स्पीकिंग ऑन मणिपुर इनसाइड पार्लियामेंट एलिक्स कांग्रेस, तो कांग्रेस के नेता यही बोल रहे हैं और ये बोलते रहेंगे, होना कुछ भी नहीं इनसे, क्योंकि विपक्ष जब कमजोर होता तब देश में क्या होता आप देश अभी देख रहे हैं। हाउस पैनल एक्सप्रेसेस कंसर्न ओवर स्लो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एंटीक्विटीज, आपकी पूरी न्यूज़ थी। इंक्लूसिव वोट प्रॉम्प्ट्स पॉलिटिकल अनसर्टेंटी इन स्पेन, स्पेन के बारे में पूरा आपका न्यूज़ आया हुआ है यहाँ पे। CBI's इंस्टेंट सेटलमेंट फॉर मार्केट ट्रेडर्स नेक्स्ट ईयर, ये पूरा आपके न्यूज़ आई हुई है। अदानी टू बिल्ड लंका पावर यूनिट बाई जनवरी 2025 तक बना के देंगे,
ये तो आपका था वाइट वाश हुआ है जो अभी वहाँ पे। चलिए अभी देखते हैं क्या न्यूज़ आई है। देखिए ये आपका करंट अफेयर था, हमने आपको बताया भी था कि किस तिथि को वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पारित किया गया था, तो 26 जुलाई 2023 को, ठीक है। अब देखिए इस टाइम की जो न्यूज आई थी, यहाँ देखते हैं एपीएस अब्दुल कलाम के पूरे बारे में। आपका जो बर्थ यूनिवर्सिटी था वो बताया गया था, सीटिंग FATF सेंटर्स एज सुप्रीम कोर्ट, तो लेट मिश्रा कंटिन्यू एंड ED चीफ, तो ED चीफ इनको बने रहने पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने पूरा पूरा दे दिया था, ठीक है। फिर क्या है, इंडियन फिजिकल डिफिट के बारे में पूरी बात हुई है। SEO इज़ अ सक्सेस स्टोरी टू गेट कैन बेटर मेजरिंग वेल बींग इन इंडिया, ये पूरी न्यूज़ आई है यहाँ पे। इंडिया साइज स्पोर्ट आपका पूरा दिखाया गया है, एशियन अफ्रीकन नेशंस में मोस्ट ऑफ द क्या रहा है, 530 जस्टिस जो आपके हैं इसके अवेंजिंग रिपोर्ट किए हैं, कोई भी यहाँ पे डेथ ऐसा नहीं हुआ है महिला ढोने की वजह से। यूनेस्को इंडोस ने बैनिंग क्या करना चाह रहा है वो देखिए, स्मार्टफोन को जो है यूनेस्को आपका बैन करना चाह रहा है। तो ये थी आपकी कुछ प्रमुख खबरें जो पूरे हफ्ते भर मेन थी, छाई रही 23 से 30 जुलाई के बीच का आपका ये करंट अफेयर रहा है। और जुलाई मंथ आपका जैसे ही एंड होगा हम आपके लिए लेकर के हाजिर होंगे, क्या आपकी जुलाई मंथ की करंट अफेयर, ठीक है। चलिए जब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी से धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।